नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीतिश श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राजभवन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शैलेश मटियानी, आपको बता दें राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के नए शिक्षक दिवस की सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह से सम्मान शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाने की घोषणा की है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। आपको बता दें शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राजभवन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिक्षक दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के मान शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाने की घोषणा की है। मटियानी पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सलटखुमार में आजादी की लड़ाई में शहीद हुए दो सगे भाइयों खीमानंद गंगाराम सहित बहादुर और चूड़ामणि को मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा, सलट विधायक महेश जीना, भाजपा जिलाध्यक्ष लीला भिस्ट सहित भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि खुमाड़ के जाबाजों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शहीद स्थल खुमाड़ पर हेलीपैड बनाने की भी घोषणा की। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों के गांव के लिए जो भी उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने शहीद स्थल पर हेलीपैड बनाने के लिए ग्रामीणों से भूमि उपलब्ध कराने की अपील की। कहा कि शहीद स्मारक समिति की जो भी मांग है उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। स्लट विधायक महेश जीना ने कहा कि उन्होंने विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री से यहां राजकीय मेले का दर्जा दिलाया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लोक गायक गजेंद्र राणा ने गीतों में लोग झूम उठे। आपको बता दें लोगों में उत्साह दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम की हरिद्वार जिले में भी लॉन्चिंग की गई। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिले के पहले बीजेपी सदस्य बने और इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलवाई गई। बीजेपी इन दोनों सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें पुराने सदस्यों के नवीनीकरण के साथ नए सदस्य भी जोड़े जा रहे हैं। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत पार्टी के कार्यकर्ता नए लोगों से संवाद कर उन्हें पार्टी की विचारधारा में अवगत कराते हैं और पार्टी के साथ जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात कई आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर किए हैं। इन्हीं में देहरादून के जिलाधिकारी को भी बदल दिया गया। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका को हटाकर आपको बता दें आईएएस सविन बंसल को जिलाधिकारी बनाया गया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। सविन बंसल 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पदभार संभालते ही मीडिया से रूबरू होकर
अपने प्रति आपको बता दें प्राथमिकताएं बताई उन्होंने। सविन बंसल ने बताया कि नगर निगम की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है, साथ ही यातायात, लैंड डिस्प्यूट, क्राइम, सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों को उन्होंने जागरूक भी किया, जागरूक करने का काम किया जाएगा ऐसा भी कहा। जनता की समस्याओं को लेकर जनसंवाद यथावत चलता रहेगा, जनता के साथ संवाद कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से जॉली ग्रांट के आसपास 1.95 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण लगातार जारी है। यूकाडा की ओर से निजी आपको बता दें वन भूमि दोनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। वन विभाग की ओर से एनओसी मिलने के बाद इसमें और तेजी आएगी। हालांकि इस बीच न्यायालय में पीआईएल दाखिल होने की वजह से इसमें कुछ देरी हो रही है और एयरपोर्ट के विस्तार होने के साथ ही कई अन्य देशों के लिए से यहां से सीधी उड़ान की सेवा शुरू की जाएगी। अपर सचिव यूकाडा सी रविशंकर ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 1.95 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रसित किया जा रहा है, उसके बाद 6 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई गतिमान है। आपको बता दें जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से जॉली ग्रांट के आसपास की 1.95 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण लगातार जारी है। यूकाडा की ओर से निजी वन भूमि दोनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। वन विभाग की ओर से एनओसी मिलने के बाद इसमें और तेजी आएगी। हालांकि इस बीच न्यायालय में पीआईएल दाखिल होने की वजह से इनमें कुछ देरी हो रही है। एयरपोर्ट के विस्तार होने के साथ ही कई अन्य देशों के लिए यहां से सीधे उड़ान की सेवा शुरू की जाएगी। अपर सचिव यूकाडा रविशंकर ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 1.95 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रसित किया जा रहा है, उसके बाद 6 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई गतिमान है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को लेकर? काम कितना आगे बढ़ चुका है, कितना टाइम लगना है उसमें, कितना जमीन जो है उसको अधिग्रसित कर लिया गया है? देखिए, मैं बात करूं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की, तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए लगातार ये चल रहा है कि कब इंटरनेशनल बने हैं और कब यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइटें उड़ना शुरू हो जाए, उसको लेकर लगातार, चाहे हम मुख्यमंत्री धामी की बात करें, चाहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की बात करें, चाहे हम सचिवों की बात करें, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। और लगातार जो परसों बैठक थी रविशंकर जो यूकाडा के सचिव हैं उनकी बैठक थी, तो उसको लेकर थी कि किस तरीके से विस्तारीकरण हो और उसमें लगभग कितनी जमीन उसकी आ रही है। सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे वो, चाहे वन विभाग के हों, चाहे वहाँ के एसडीएम हों, चाहे वो अन्य लोग हों, कि देखा जा रहा था कि कितनी जमीन यहाँ पे एक और करनी है और कितनी यहाँ पे प्राइवेट भूमि है, कितने पेड़ कटेंगे और कितनी जमीन यहाँ पे जो है सरकारी जमीन है जो वन विभाग की है और कितनी जमीन यहाँ पे टोटल इक्वर करनी है, तो उसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं और जल्द ये मसला केंद्र सरकार को जा रखा है और जल्द वहाँ पे जो है वन विभाग से एनओसी मिलने की देरी है। जैसे वन विभाग से एनओसी मिलेगी उसके बाद ही जो है ये मामला धरातल पे आ पाएगा कि कितने जो है पेड़ कटने हैं और कब वन विभाग एनओसी दे पाएगा, उसको लेकर लगातार सी रविशंकर बैठक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी को अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं कि इतनी लगभग कब तक ये पूरा हो पाएगा। लेकिन ये मेन जो मसला है ये वन विभाग की भूमिका है, प्राइवेट भूमि भी एक और हो सकती है और जो एयरपोर्ट की भूमि है जो वो भी हो सकती है, लेकिन मेन है कि जो वन विभाग की जो भूमि है तो उसको लेकर अभी पेच फंसा हुआ है और वो क्योंकि वहां पे जो थोड़ा बहुत पेड़ पौधे हैं उनके कटान के लिए भी एनओसी लेनी पड़ती है और वन विभाग की जो भूमि है उसके लिए एनओसी लेनी पड़ती है, उसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। देखना, ये अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि एनओसी मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो इसको लेकर लगातार ये चल रहा है कि मंथन चल रहा है कि
तक एनओसी मिले और कितनी जल्दी से जल्दी हम इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करें। सतीश, जिस तरीके से वहाँ पे बातें चल रही हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, कई देशों के लिए डायरेक्ट आपको बता दें संचालन होगा वहाँ हवाई जहाज का, तो इस मामले को लेकर वहाँ पे किस तरीके से चर्चा हो रही है, क्या क्या फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, इस पर क्या है अपडेट? देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिसाब से जैसे जो सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि ज्यादा से ज्यादा खासी की इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिसाब से जिस तरीके से बनाए जाने की बात चल रही है उस हिसाब से चर्चाएं स्लो चल रही हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा? जी यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे पर्यटन मंत्री ने भी कहा था कि जो यहाँ पे पर्यटन जो आएगा यहाँ से दुबई से या अमेरिका से या कहीं से भी बाहर से जो पर्यटन जो उत्तराखंड चार धाम यात्रा में आते हैं बाहर के पर्यटक, तो उनके लिए और यह उत्तराखंड जो पर्यटन नगरी है तो उसके लिए जो है यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना बहुत जरूरी है। उसको लेकर लगातार पोस्ट चल रहा था कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी विस्तारीकरण हो, लेकिन एनओसी के चक्करों में लगातार लटक रहा है ये मामला कि एनओसी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसको लेकर एनएससी की कोशिश कर रहे हैं कि कितने जल्दी। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उत्तराखंड जो मोर जो पर्यटन नगरी है उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उत्तराखंड को, और उत्तराखंड को लेकर जिस तरीके से देश विदेशों में ये चलता है कि यहाँ पे हरिद्वार, देखिए जोलीग्रांड के बहुत नजदीक हरिद्वार है, जोलीग्रांड के बहुत नजदीक मसूरी है, जोलीग्रांड के बहुत नजदीक जो है ऋषिकेश है, उसको लेकर जो है काफी तैयारियां हो रखी जिसको यह सिर्फ एनओसी मिलने की देरी है, तो उसको लेकर यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ये लगातार कहा चल रही है तो यहाँ पे बहुत पर्यटन के दृष्टि बहुत अच्छा देखा जाएगा। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है। प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसों में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसे का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान जांच में मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और बच्चों को अव्यवस्था में रखा हुआ था। वहीं उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में आपको बता दें अवैध मदरसे में मौलाना ने बच्चों को पोर्न फिल्म दिखाकर कई बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? मदरसों पे कार्रवाई की जाने की बात की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए मैं बात करूं मदरसों की, तो मदरसों में बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है अवैध काम होते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि काफी मदरसे ऐसे हैं जिनमें जो बिना एनओसी के चलते हैं, काफी मदरसे ऐसे हैं जो जिनमें यहाँ पे कोई सुख सुविधा ही नहीं है, काफी मदरसे ऐसे हैं जिनमें जो अवैध तरीके से चलाए जाते हैं जिनमें कोई वो नहीं है, सरकार का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे मदरसों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जब बहुत सारे जगहें ऐसी होती हैं जहाँ बच्चों के साथ दुष्कर्म होते हैं। अभी आपने देखा होगा जो यहाँ का मामला आया था, ये अवैध मदरसे का मामला आया था, यहाँ पे चाहे यहाँ पे देहरादून का एक मामला आया था, ये कुछ मदरसों में काफी जो ये आजाद कॉलोनी में एक मदरसा था उसका औचक निरीक्षण किया गया तो वहाँ पे काफी ज्यादा अवैधता ही पाई गई है। तो अब अवैध मदरसों को लेकर सरकार काफी ज्यादा गंभीर है और जहाँ जो भी अवैध मदरसों के नाम पे इस तरीके की भावनाएं भड़काते हैं या इस तरीके के बच्चों का शोषण करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी एक मामला आया था मदरसे का कि जो कि एक जो है मदरसे का जो टीचर है वो जो है कुछ बच्चों को पोर्न वीडियो दिखा रहा था उधम सिंह नगर में, तो उस पर कार्रवाई की गई। और ऐसे ही काफी मदरसों में इस तरीके की घटनाएं आती हैं और बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि यहाँ पे जो है मदरसों को लेकर इस समय जो है भले भाजपा कांग्रेस आमने सामने हो लेकिन मदरसों को ठीक करने के लिए और जिनके जो मदरसों के नाम पे अवैध जमीन हड़प रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पे ये चल रहा है कि कहीं पे मदरसा बना लो और फंडिंग करते रहो, इस तरीके की जो कार्रवाई जो लोग करते हैं तो उनपे कठोर कार्रवाई करने की बात कर रही है। और जो यहाँ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है वो मुफ्ती समूह कासमी, वो लगा
लगातार इस समय इस तरीके से काम कर रहे हैं कि लगातार जो है जो मदर के अवैध हैं तो उनकी चेकिंग कर रहे हैं, उनमें अगर कोई गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उनको एक कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो लगातार इस तरह की जो मदरसों में जो झोल चल रहा है तो उसको ठीक करने का बखूबी काम कर रहे हैं। जी 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 सतीश, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के ऑल वेदर रोड बन जाने के बाद यात्रियों का सफर जितना आसान हुआ है उतना ही ऑल वेदर रोड पर मौजूदा लैंडस्लाइड जोन मॉनसून सीजन में यात्रियों की दिक्कतों को बढ़ा रहा है। मॉनसून सीजन में कई बार बाधित हो चुकी ऑल वेदर रोड नेशनल हाईवे 58 पर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक कुल 45 लैंडस्लाइड जोन NH विभाग ने चिन्हित किए हैं, जिसमें 12 लैंडस्लाइड जोन देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक है। लैंडस्लाइड होने से इसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है, जिससे यात्रियों की यात्रा भी कई बार घंटों ब्रेक लगा रही है। यात्रियों की यात्रा पे आपको बता दें ऑल वेदर रोड NH 58 पर तोता घाटी, चमधार, बछेली खाल, अटालिंग आपको बता दें अटाली गंगा, सिरोबगड़ समेत अन्य छोटे बड़े लैंडस्लाइड जोन कई बार यात्रियों की यात्रा को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। वहीं भूवैज्ञानिकों ने ऑल वेदर रोड में लैंडस्लाइड जोन बनने का कारण ऑल वेदर निर्माण में सड़क का चौड़ीकरण और इन्हीं के आसपास बादल फटने जैसे घटना को माना है। नेशनल हाईवे विभाग में अधिशासी अभियंता ने बताया कि 45 में से 10 लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट कार्य करवाया गया है। इनमें सीमेंट रेत का घोल बनाकर इनमें सरिया डाली जा रही है, जिससे पहाड़ी ना डर के वही लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट के लिए समय पर बजट मिले। इसके लिए प्रस्ताव भी समय रहते ही शासन को भेजा गया है। बद्रीनाथ राजमार्ग सेलेंग के पास बंद हुआ है आपको बता दें रास्ता। हल्की बारिश में ही पहाड़ जो है वो पहाड़ का आधा हिस्सा जो है वो टूटकर आ गिरा। सड़क से मलबा हटाने का काम भी जारी है, साथ ही दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। वहीं जिले भर में 50 लिंक सड़क मार्ग मलबा आने से अवरुद्ध है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मलबे को हटाया जा रहा है। आपको बता दें ये पूरा जो मामला है वो बद्रीनाथ राजमार्ग का है। हल्की बारिश आने से पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर आ गिरा है सड़क पर। देहरादून प्रेस क्लब में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पनवार द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता की गई। वार्ता में उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बॉबी पनवार ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाने का काम किया है। पनवार के अनुसार सरकार आंकड़ों की अवज में अपराधों को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर बेरोजगार संघ आगे भी आवाज उठाने का काम करता रहेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर दूसरे को रोशनी दे सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। हर साल आपको बता दें 25 अगस्त से 7 सितंबर तक ये जागरूकता पखवाड़ा चलाया जाता है। उत्तराखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल दून अस्पताल में ये जागरूकता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का काम डॉक्टर्स करते हैं और कर रहे हैं। नेत्र विशेषज्ञ दून पुलिस कॉलेज में विभागाध्यक्ष डॉक्टर शांति पांडे ने कहा कि सभी लोगों को इसके लिए जागरूक होना जरूरी है, तभी हम उन लोगों की आंखों में रोशनी ला सकते हैं जिन्हें इसकी बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का संकल्प लेता है और सहमति देता है तो अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। देहरादून में जिस तरह से शहर का विस्तार हो रहा है उसकी वजह से पार्किंग को लेकर भी परेशानियां बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो सामने आती है वो सड़कों के किनारे आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों का भी पार्किंग के स्थानों में अतिक्रमण कर देना, और इसी को लेकर लगातार MDDA के पास शिकायतें आती रहती हैं। वहीं MDDA के VC बंशीधर तिवारी ने बताया कि जिस तरह से पार्किंग के स्थानों में अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर विभाग गंभीर, और हम ये देख रहे हैं कि पार्किंग की जो भी जगह है उसको कोई किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर कोई और किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।
राजधानी देहरादून में स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने की लगातार कवायद जारी है। इसी के तहत नगर निगम प्रशासन की ओर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान को अधिक गति दी जा रही है। इस बीच जन जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए नगर निगम की ओर से जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दून में राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, बन्नू स्कूल, रेस कोर्स, माता मंदिर रोड, शास्त्री नगर, कारगी चौक, नेशविला रोड, एमडीडीए कॉलोनी और आपको बता दें सहस्त्रधारा रोड, क्रॉसिंग चौक, लालपुल, कारगी रोड, राजीव नगर पुलिया के पास, तिब्बती मार्केट के पास आदि स्थानों पर कैमरे लगा दिए गए हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।